कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू टू सिकेंट ए हमें प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर आएगा कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए। तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ना कॉस स्क्वायर ए एज इट इज ले लेते हैं और ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर और प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में टू इंटू वन इंटू साइन ए, तो हो जाएगा टू साइन ए अपॉन में वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम वन लिख सकते हैं और वन प्लस वन हो गया टू। तो ये इन तीनों की जगह पर टू आ गया हमारा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन और प्लस में वन टू, और साथ में प्लस में टू साइन ए एज इट इज अपॉन में सेम लिखेंगे वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ ऊपर वाली दोनों टर्म में से अगर हम टू कॉमन लें तो आ जाएगा वन प्लस साइन ए, और नीचे भी वन प्लस साइन ए है इंटू में कॉस ए। तो ये वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए जो है दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर जो है अगर यहाँ पर कॉस ए के ऊपर अगर हम वन लिखें तो वन बाय कॉस ए को लिख सकते हैं सीकेंट ए। यहाँ ये टू इंटू एक तरह से वन हो गया, तो ये आ गया टू सीकेंट ए जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड।